नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्चनाज गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत फूलों से भर जाने वाले पौधे की बात कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक जोड़ा का पौधा है, कितने सुंदर फूलों से भर गया है। आज मैं आपको बताऊँगी कि एक जोड़ा प्लांट की देखभाल कैसी करनी चाहिए, इसे कैसी मिट्टी चाहिए तथा क्या क्या फर्टिलाइज़र चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत सारी वैरायटी तथा बहुत से कलर आते हैं, आप किसी को भी लगा सकते हैं। ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहता है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसके फूल शाखाओं पर बहुत दिनों तक टिकते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इसे पॉट में या ज़मीन पर कहीं पर भी आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुबह की 4-5 घंटे की धूप मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी से इसके पत्ते जलने लग जाते हैं, उस समय इसे थोड़ी ग्रीन नेट में रख देनी चाहिए। मिट्टी की बात करूँ तो इसे बेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, एक एक भाग गार्डन सॉइल, सीड तथा बर्मी कंपोस्ट और उसमें फंजीसाइड पाउडर मिलाकर मैंने इसे लगाया हुआ है। इसे एसिटिक सॉइल बहुत पसंद है। मिट्टी को एसिटिक बनाने के लिए इसमें 15-20 दिन में बर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी एसिटिक बनी रहती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्मी इसके मेन जड़ से अलग करके डालना चाहिए। इसमें आप अच्छे फ्लावरिंग के लिए बनाना पील फर्टिलाइजर तथा सरसों की खली 15-20 दिन में एक बार डाल सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और मानसून के समय जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं भी इसकी कटिंग लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं, कटिंग लगाने के लिए मैं इसमें रूट हार्मोन का प्रयोग कर रही हूँ। इसे एलोवेरा जेल के द्वारा भी लगाया जा सकता है। कटिंग लगाकर आप 3-4 दिनों तक सेमी शेड एरिया में रख दें। ये देखिए दोस्तों, 2 महीने पहले मैंने एक जोड़ा की एक कटिंग लगाई, इतने अच्छे से लग चुकी है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।